बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड में देवभूमि में प्रलय जैसे हालात पैदा हो गए हैं। भारी बारिश की वजह से राज्य में ब्यास नदी उफान पर है। शिमला के समरहिल इलाके में आज शिव मंदिर लैंडस्लाइड में दब गया, जिसमें 25 से 30 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। यहां अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि भी प्रशासन के द्वारा कर दी गई है। सोलन जिले में बादल फटने से 7 लोगों की जान चली गई है। उधर मंडी जिले में भी बादल फटने से भारी तबाही हुई है। पूरे राज्य में खतरा अभी टला नहीं है, 24 घंटे बारिश का रेड अलर्ट है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में शिव मंदिर के पास हुए लैंडस्लाइड के बाद चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का खुद जायजा लिया है। सीएम सुक्खू के मुताबिक पूरे राज्य में प्राकृतिक आपदा में 21 लोगों की मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से भारी तबाही मची है। जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। आज समरहिल इलाके में शिमला के एक शिव मंदिर के ढह जाने से कई लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। 9 लोगों की पुष्टि कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के समरहिल इलाके में आज सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। सुबह सुबह लोग शिव मंदिर में पूजा कर रहे थे, सावन का सोमवार आज, और अचानक ही ये लैंडस्लाइड हो गया। देखते ही देखते पूजा और घंटियों की आवाजें जो थी वो चीख पुकार में बदल गई। जब तक किसी को कुछ समझ में आता, कई लोग मलबे की चपेट में आ चुके थे। जानकारी के मुताबिक अभी तक 9 शवों को निकाला जा चुका है और भी कई लोग इस मलबे में दबे हो सकते हैं। बारिश के चलते हुए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू इस पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। लोगों से यही अपील है कि अपने घर से ना निकले, पर्यटक फिलहाल हिमाचल प्रदेश ना आए। और हादसे की खबर सुनते ही मुख्यमंत्री सुक्खू फौरन मौके पर पहुंचे, हादसे पर शोक व्यक्त किया और राहत कार्य का जायजा भी लिया। हमारी संवाददाता समीक्षा ने हमें एक रिपोर्ट भी भेजी और मुख्यमंत्री से बात भी की है, सुनिए। सर, एक बार हम आपसे फिर से जानना चाहेंगे कि जो परिस्थितियां बनी है वो सामान्य नहीं है पूरे प्रदेश के लिए, और अभी अगर बात करें शिमला की, आप यहां पर खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, जो गंभीर परिस्थिति यहां पर देखने को मिल रही है, 20 से 25 लोगों के यहां पर फंसने की संभावना है। एक जब सर श्रद्धालु यहां पर मौजूद है और जब धार्मिक स्थान पर इस तरह की घटना होती है तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण ये नजर आता है। मैं खुद देख रहा हूँ और आर्मी के भी हमने बुलाया है, और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि कुछ लोगों को हम बचा सके, यही हमारे प्रयास कर रहे हैं। सर, वहीं कल क्योंकि 15 अगस्त का दिन है तो किस तरह, क्योंकि तैयारियां की जा रही थी, जो आपदा से पहले हिमाचल गुजरा है, अब ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अच्छे से मनाया जाएगा, धूमधाम से मनाया जाएगा, तो कल के लिए क्या परिस्थितियाँ रहेंगी और किस तरह से मनाया जाएगा 15 अगस्त? इस आपदा में मुझे लगता है काफ़ी जिंदगियां हमें छोड़कर चली गई है। मेरे सुबह 6 बजे से डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट ले रहा था, 21 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है और कोशिश ये की जा रही है कि इनको जल्दी से जल्दी निकाला जाए। सर, कितना मुश्किल प्रदेश के लिए ये दिन रहने वाले हैं, क्योंकि अभी सत्ता में आए हुए, आपको भी कम ही समय हुआ है, और उसके बाद से इस आपदा से गुजरना कितना मुश्किल और कितना चुनौतीपूर्ण सरकार के सामने है। मैं लोगों से कहूंगा कि 48 घंटे तक जो जहां है वहीं रहे, घरों से रहे, क्योंकि अभी येलो अलर्ट है, बहुत तबाही हुई है और पूरे जगह से जो रिपोर्ट आ रही है, हमारे सभी लोग वहाँ रिपोर्ट प्राप्त करके मुझे भेज रहे हैं, और इस समय 7 लोगों के ममलिक के पास मलबे में दबे होने की खबर है। 5 लोगों को फागली से हमने रेस्क्यू कर लिया है। इस दृष्टि से हम सारे कार्य कर जहाँ भी रेस्क्यू। और इस समय हिमाचल प्रदेश के शिमला से समीक्षा राणा, जी न्यूज संवाददाता, मेरे साथ लाइव जुड़ रही है। अभी हमने आपको बातचीत सुनवाई, समीक्षा ने मुख्यमंत्री से हालात पूरे जाने की, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और क्या कुछ करना चाहिए। समीक्षा, मेरा आपसे सवाल यही है कि आज एक बहुत बड़ा हादसा शिमला के समरहिल में हुआ है, इस समय का अपडेट क्या है, रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है? पूरे हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस समय त्रासदी का समय है। शोभना, गंभीर तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही हैं, जहां पर ये रेस्क्यू अभियान चल रहा था और सुबह से हम ग्राउंड जीरो से तस्वीरें आपको लगातार दिखाते आए हैं, दर्शकों को दिखाते आए हैं। तो एक बार रेस्क्यू जो है बंद कर दिया गया है, एक ही जेसीबी अभी कार्य कर रही है, क्योंकि लैंडस्लाइड जहाँ पर हुआ है लगातार मलबा वहाँ पर आ रहा है और पुलिस की ओर से यहाँ से जितने भी आसपास के लोग हैं हटाया जा रहा है, क्योंकि लगातार जो है वो ऊपर से आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये देख पा रहे हैं, जो मलबा लगातार आ रहा है, तो कहीं ना कहीं
काफी गंभीर चिंता जो है वो बनी हुई है। समीक्षा में आपको रोक रही हूँ, समीक्षा में आपको रोक रही हूँ, और रोक इसलिए रही हूँ कि ये जो तस्वीरें इस समय आप मुझे जूम कर दिखा रही हैं, उसमें मुझे कटे हुए पेड़ दिख रहे हैं। ये कटे हुए पेड़ हैं या ये टूटे हुए पेड़ हैं? क्या यहाँ पर पहले कोई ऐसा पेड़ों को काटने का काम किया गया है जिसकी वजह से ये लैंडस्लाइड आई है? क्योंकि ये मुझे टूटे हुए पेड़ नहीं दिख रहे हैं, ये मुझे कटे हुए पेड़ दिखाई दे रहे हैं। शोभना, रेस्क्यू के वक्त ये पेड़ जो है वो काटे गए हैं, क्योंकि ये पेड़ काफी ज्यादा बड़े हैं, देवदार के पेड़ हैं। और सुबह जब से ये यहाँ पर जब से ये क्लाउड बेस्ट हुआ है, उसके बाद से यहाँ पर जो रेस्क्यू अभियान किया जा रहा था, क्योंकि काफी मुश्किल रेस्क्यू अभियान रहा है, 5 लोगों को हालांकि 11 बजे तक रेस्क्यू 5 शव जो है बरामद कर लिए गए थे, और अभी की अगर बात करें तो 8 शव अभी बरामद कर लिए गए हैं। तो एक दुखदायी तस्वीर, मार्मिक तस्वीर ये दिखाई दे रही है। हालांकि पुलिस की ओर से आगे की तरफ जाने की बिल्कुल मनाही है, रेस्क्यू जो है बंद कर दिया गया है, एक ही जेसीबी कार्य कर रही है। हालांकि इससे पहले जो रेस्क्यू टीम्स थी, SDRF और ITBP और जो स्थानीय पुलिस है, वो कार्य कर रही थी, लेकिन अब सभी को यहाँ से हटा दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मलबा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जी शोभना, बिल्कुल समीक्षा, ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये जी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय हिमाचल प्रदेश के शिमला से हम आपको दिखा रहे हैं। और चिंता की बात यह है कि अभी भी ये जो मलबा है ये रुक नहीं रहा है, लगातार ये पहाड़ से बहकर नीचे आ रहा है। हालांकि पूरे एरिया को अब कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, वहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, और सिर्फ एक JCB मशीन यहाँ पर काम कर रही है। जो ऊंचे देवदार के पेड़ है उनको काटा गया है ताकि लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से बचाया जा सके, निकाला जा सके। बहुत धन्यवाद समीक्षा इन तस्वीरों के लिए, आप नजर बना के रखिए, जैसे ही कोई अपडेट होगा मैं फिर आपका एक बार रुख करूंगी।